fallen in love with I Love. I love you. Él pone wow. अरे अर्जुन, एक काम करो, तुम रात में ही तैयार होकर सो जाओ, सुबह बस ब्रश और नाश्ता करके स्कूल जाओ। क्यों, रात को ही ब्रश भी करवा दूं क्या? खाना भी रात को ही खिला देती हूँ, स्कूल ले जाइए। तुम रोज ऐसे ही किया करो, मैं वो भी करूँगा एक दिन, नहीं तो क्या भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तुम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इसे तैयार करने में लगी रहती हो, अगर प्राइवेट स्कूल में इसे पढ़ने के लिए भेजते तो पता नहीं कितना और टाइम लगाती। पढ़ने के लिए भले ही गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सिखा तो गए हैं ना, फटी हुई चड्डी पहनकर बच्चे स्कूल तो नहीं जा सकते हैं, इस बात को समझते हैं आप? पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को डिसिप्लिन, सच्चाई से रहना, स्वच्छता से रहना सीखना है, नहीं तो आपकी तरह झूठ बोलते हुए जीना पड़ेगा। किसे बोल रही हो कि हम झूठ बोलते हैं? हम सत्य हरिश्चंद्र वंश के वारिस हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। हाँ, तुम्हारा खुद का ऑटो रिक्शा है, यही झूठ बोलकर तुमने मुझसे शादी की थी। वो तो तब की कहानी है, अब शादी के बाद क्यों सुना रही हो उस कहानी को? तुम कहीं मिस ना हो जाओ इसलिए एक ही झूठ बोलकर तुमने अपनी मिसेज बना लिया। सिर्फ एक ही झूठ बोला था क्या? हाँ, और कितने बोले? गिनती करती हूँ, सुनो। पहला झूठ, खुद का ऑटो रिक्शा है। दूसरा झूठ, दारू नहीं पीते हो। और तीसरा झूठ, सिगरेट नहीं पीते हो। चौथा झूठ भी बताऊं? यहीं पर रुके रहे तो लाइफ खत्म हो जाएगी, चल निकल ले। हाँ? अरे कहाँ? ये। पापा मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। पापा मैं जा रहा हूँ। समझ गया। मैं सोचता था सिर्फ सरकारी ऑफिसर को ही रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। क्या समान आ गया? ये लो, तुम भी चॉकलेट लेना और अपने फ्रेंड्स को भी देना। पापा, मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अर्जुन, तुम्हारे पापा किराए का ऑटो चलाते हैं, खुद का ऑटो लेने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना, अभी बस तुम ही खाना, ठीक है? अब जाओ। ठीक है पापा। मैं जा रहा हूँ बेटा। हाँ, पता है पापा। बाय बेटा। बाय। सौभाग्य, कहाँ की सौभाग्य रत्ना, कहाँ है सौभाग्य? किस खुशी के मौके पर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सौभाग्य रखा था, सत्यानाश हो गया है मेरे सौभाग्य का। संभालो खुद को सौभाग्य, दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है, हर किसी का अपना टाइम है, टाइम खत्म होते ही वो चला जाएगा। तुम्हारे पति का इतना ही टाइम था और जाने का कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना। चलो अब उठो और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सौभाग्य, तुम्हें ठीक से खाना खाए कितने दिन हो गए पता है? ऐसे रहोगी तो तुम भी मर जाओगी। मर जाने दो रत्ना, भगवान जैसे पति के चले जाने के बाद मैं जीकर क्या करूंगी रत्ना। जीना है सौभाग्य, जीना है। वहां देखो। देखो, जन्म देने वाले पिता के मरने के बाद भी वो बच्चा तो अपने खेल में मगन है, उसे कुछ भी नहीं पता है। उस मासूम बच्चे के भविष्य के लिए ही तुम्हें जीना होगा सौभाग्य। देखो, जो हो चुका है उसकी चिंता छोड़कर अब तुम्हें आगे का सोचना चाहिए, आगे के लिए जीना चाहिए। उस बच्चे का भविष्य तुम्हारे हाथों में है, उसे अच्छे से पालोगी
तो वो एक काबिल इंसान बनेगा, लोगों की मदद करेगा। सब तुम्हारे हाथों में है। उस बच्चे का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उसे अच्छे से पालोगी तो वो एक काबिल इंसान बनेगा, लोगों की मदद करेगा। सब तुम्हारे हाथों में है। ओह सौभाग्य, आओ आओ। बैठो सौभाग्य, बैठो। खाना खाया तुमने? खा के आई हूँ। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं रत्ना, तुम्हारा घर अलग थोड़ी ही है। अगर भूख लगेगी तो तुमसे कह दूंगी, अभी खा के आई हूँ। ठीक है, कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है। लीजिए जी, आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, रात को बात करते हैं ना। हाँ, आपसे रात को कैसे बात करे कोई, फुल टाइट रहते हैं। तुम बिना बस। देखिए, हम दोनों की कोई परवाह नहीं, लेकिन इस महंगाई में एक कमाता है और तीन खाएं तो मुश्किल होती है। हाँ तो इसलिए मैं भी काम करूंगी, थोड़ा पैसा जमा कर लेंगे तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। हाँ क्या, उसके बाद? उसके बाद बच्चे को पढ़ाई करवाएंगे, फिर उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, वो हमें संभाल लेगा, हम आराम से रहेंगे। अभी भी वही करो, कितनी मुश्किलें आई मुझे, पैसों के लिए मेरी बीवी क्या बोलती है। देखो तुम्हारे पति के हाथों में बहुत ताकत है, जिस दिन मैं ऑटो नहीं चला पाऊंगा मैं तुम्हें खुद बोलूंगा, इसीलिए अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ ना, इसलिए तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्य ये लो कॉफी। रत्ना, सही समय पर मुझे जगा के मेरे कर्तव्य पूरा करने का एहसास मुझे तुम्ही ने दिलाया है। मैं सोचती हूँ जीना तो अब मुझे होगा ही, कैसे भी जीऊं चाहे कुछ भी करूं, सांस चलती रहे तब तक जीना पड़ेगा। जीना है तो पैसे चाहिए, हो सके तो मुझे काम दिलवा दो रत्ना। ठीक है सौभाग्य, मेरे पहचान के एक घर में जरूरत तो है, वहां काम करोगी क्या? बच्चे की पढ़ाई के लिए और उसकी परवरिश के लिए करना होगा। मैं पैसों के लिए वहां काम नहीं करती, उस घर का मैं भी एक हिस्सा हूँ। वो लोग बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते, मुझे भी प्यार से रखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। रुक जाइए आप लोग, रुकिए। पहले से ही आम लोगों की जिंदगी ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर बर्बाद हो रही है, और ऊपर से आप लोग ये बेमतलब की हड़ताल कर रहे हैं। चलो निकलो सब यहाँ से। हेलो इंस्पेक्टर, इस देश में जनता की सरकार चलती है और विरोध प्रकट करने के लिए क्या जनता को अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ हर इंसान को स्ट्राइक करने का हक है, लेकिन आप किस चीज के विरुद्ध स्ट्राइक कर रहे हो बताओ? किस चीज के विरुद्ध आप लोग स्ट्राइक कर रहे हो? किस ऑफ लव के विरुद्ध में? सरकार को किस ऑफ लव की परमिशन हर कीमत पे देनी चाहिए। वैसे भी सर, लवर्स को अपने प्यार का इजहार करने की परमिशन होनी चाहिए, ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ हर किसी को अपने प्यार का अपने तरीके से इजहार करने का अधिकार है सर। सिर्फ बोलने के लिए ही स्वतंत्र भारत है? यहाँ लवर्स लवर्स डे मनाए तो गलत, किस ऑफ लव डे मनाए तो भी गलत, पब गए क्लब गए तो भी गलत, कोई जबरदस्ती है क्या? सिर्फ बोलने के लिए स्वतंत्र भारत, लाइफ एंजॉय नहीं करे क्या? बोलो। महानुभावों की रिस्पेक्ट करते हुए दिन रात धूप छांव की परवाह किए बगैर अपने योद्धा देश की रक्षा करते हैं, और तुम लोग वैलेंटाइन डे किस ऑफ लव पब्स और क्लब्स में मस्ती करते हो, शर्म नहीं आती? वहां पॉलिटिशियंस आप जैसे यूथ के भरोसे किल इंडिया ऐसे बोलते हैं, और तुम लोग किल इंडिया किस इंडिया बोलते हुए सड़क पर आते हो। यही सिखाया है क्या घर पर माँ बाप ने, और यही पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हो?
सालों से इतिहास रहा है हमारी संस्कृति का, और आप सब नौजवानों के सर पे भूत चढ़ा हुआ है। ये सब हमारी संस्कृति नहीं है, भारत का नाम हर जगह पर है। इस देश की मिट्टी के कण कण में शक्ति है, चैतन्यता है, एक एक त्योहार का एक एक इतिहास है। इसलिए कहता हूँ, हमें और आप लोगों को यहाँ जन्म मिलने पर गर्व होना चाहिए। जिंदगी के लिए जितने चाहिए उतने लेसन हैं। गांधी जी, विवेकानंद, विश्वेश्वरिया, अम्बेडकर जैसे आदर्श लोगों का आदर्श है हमारे पास। भगवान शिव का आशीर्वाद है हमारे सर पे, ये बात समझ लीजिए। इंस्पेक्टर सर, अच्छे से बता दो इन्हें, और अगर नहीं सुनेंगे तो भगा दो मार मार के। यस सर। अरे माँ, 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 छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दे बेटा, तुम कुछ आओ, नहीं होगा। ओफो, क्या हुआ? बैठ जाओ ना। माँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे इन हाथों ने कितना कष्ट उठाया है, तुम्हें कितना दर्द हुआ है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। माँ, सरकार ने हमें इतना बड़ा घर दिया है, काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, तुम अब आराम करो माँ। अरे अज्जू, अब मैं पैसों के लिए काम नहीं करना चाहती, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए करती हूँ। कुछ ना कुछ काम करते रहो तो अच्छा लगता है। ए रत्ना, आओ आओ। कैसी हो? अच्छी हूँ, आज याद आई मेरी, इतने दिनों बाद आई हो। याद कब आई ये मायने नहीं रखता, मैं लाई क्या हूँ वो पूछो। हाँ हाँ, पहले बैठो तो सही। अब बोलो, क्या लेके आई हो? तुम दोनों, माँ और बेटे को इतने बड़े घर में खुश रखने वाली भी कोई चाहिए ना? हाँ हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, तुम ही कोई अच्छी सी लड़की देखो ना। देखकर ही तो आई हूँ, ये पूछो कि रिश्ता किसका है। कौन है वो रत्ना? हमारे संजीव शेट्टी जी की बेटी श्रुति। हाँ, मजाक मत करो, हम कहाँ वो लोग कहाँ। सौभाग्य, हमारा अर्जुन कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, इतना बड़ा ऑफिसर है ये। शेट्टी जी ने मुझसे कहा कि उन्हें अच्छा लड़का चाहिए, कोई पैसे वाला लड़का नहीं, हमारे अर्जुन से बेहतर कौन होगा फिर, उन्होंने मुझसे कहा तुमसे पूछने के लिए। रत्ना, बिना हमसे पूछे ही हमेशा मदद करती हूँ, और अब तुम बेटे के लिए रिश्ता ले आई हो। बताओ, कौन से जन्म का बंधन है ये तुमसे? अरे सौभाग्य, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, भगवान ने गलती से तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया, पर फिर वो समझ गए, इसलिए भगवान ने अर्जुन को बेटे के रूप में तुम्हारे पास भेजा था। संजय शेट्टी का पता है ना, 100 करोड़ के मालिक है वो, इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक होकर भी उन्होंने खुद तुम्हारे पास रिश्ता भिजवाया है, ऐसा सिर्फ अच्छे दिल वाला इंसान ही करेगा। पता नहीं, वो लड़की मेरे अर्जुन को पसंद आनी चाहिए। अर्जुन, रिश्ता तुझे पसंद है ना? मैं तुम्हारी बात मना कैसे कर सकता हूँ माँ, तुम जिस लड़की से कहोगी मैं आंखें बंद करके उससे शादी कर लूंगा। ए सुन, सिर्फ आंखें बंद करके शादी करना, बाकी काम खोल के करना। रत्ना, हमारे अर्जुन की शादी होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा, कहीं नहीं जाओगी, बस यहीं रहोगी। नमस्ते। 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 आइए। नमस्ते। दरअसल मेरी बेटी की शादी की बात जब से शुरू हुई है तो हमारे घर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए पैसे और प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जरूरी है कि लड़का संस्कारी हो। माँ ने
अपने बेटे के भविष्य के लिए हर तरह के कष्ट सहे और बेटे ने अपनी माँ की मेहनत को सार्थक करने के लिए अच्छे से पढ़ाई की और आज समाज में एक अच्छी पोजीशन पर आ गया है। तो आज मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है, इसीलिए मैंने अपने मन की बात रत्ना को बताई थी। बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे बड़े लोगों ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया और रिश्ता जोड़ा। सचमुच मेरा बेटा बहुत खुश नसीब है। लड़का लड़की खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी है ना? हाँ, लड़की बहुत अच्छी है। मैं कॉफी के बारे में पूछ रहा था, लड़की के बारे में नहीं। ये क्या, पहले जो तू ये मुझे घटिया रिएक्शन दे रहा उसको चेंज कर, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तुझको लड़की पसंद नहीं आई और यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, समझा? हाँ। अर्जुन तुम्हारा फैसला क्या है? अब अर्जुन तो पूरा क्लीन बोल्ड हो गया आंटी। माँ मैं लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जरूर बात करो, शादी के बाद तुम दोनों को साथ जिंदगी बितानी है तो अच्छा होगा कि अगर तुम दोनों आपस में पहले बातें कर लो। तुम दोनों एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे को जान सकोगे और एक दूसरे को समझ सकोगे, इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ। मुझे पता नहीं मेरे हाथ पर क्यों कांप रहे हैं, लेकिन क्यों नीचे भी कांप रहे हैं? अच्छा दिखाओ। अबे मतलब पैर नीचे से कांप रहे हैं। पहले ही बताना था ना यार राजा। कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करते करते मेरा डेडिकेशन तो सिर्फ एजुकेशन पे ही था। किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया, कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी। फर्स्ट टाइम एक लड़की के साथ बात करने पर थोड़ा डर महसूस हो रहा था। इसीलिए कहते हैं कि ड्यूटी में डेडिकेशन तो जरूरी होता है, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी लव की प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाली जिंदगी में हम लड़कों को कोई पछतावा ना हो। अबे यार तो अब ये ज्ञान मत बांट, लड़की से मिलने का टाइम नजदीक आ रहा है। हाँ? अगर कोई आइडिया हो तो बताना। ब्रो लड़कियों को पटाना एक आर्ट है, एक कला है, यू नो ब्रो। आर्ट हो या हार्ट हो पहले बता। लड़कियां पटाने के लिए अगर उन्हें आइसक्रीम पार्लर लेकर जाओगे तो वो आइसक्रीम की तरह पिघल जाएंगी, या फिर उन्हें कॉफी पिलाने के लिए किसी अच्छे से कैफे में लेकर जाओ और वहां जाने के बाद लवी डवी वाली दिल की सारी बातें उनसे बोल दो। अरे वही तो कैसे बात करनी है। जो भी ज्ञान दिया वो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, तू उसे ऑब्जर्व कर और मुझे फॉलो कर। ओके ओके ओके। टडन टडन, हाय आई एम राजा। आई एम समांथा। बहुत अच्छा है। क्या नाम? ओह क्या हम दोनों वॉक कर सकते हैं? नहीं, पार्क देखने आई हूँ। तब तो आइडिया नंबर टू अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आपने आइसक्रीम का नाम दिया क्या? आइसक्रीम खाएंगे क्या? ओह यस। तो फिर चलिए खाते हैं, आइए। थैंक यू। वेलकम। आइसक्रीम बहुत टेस्टी है ना? वैसे शहर के बाहर एक बहुत ही बढ़िया सा रिजॉर्ट है और वो जगह बिल्कुल खाली रहती है, वहां जाकर हम कबड्डी खेलें क्या? मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ आने में अभी 10 मिनट थे, इसलिए मैं टाइम पास कर रही थी और तुम यहाँ मुझे रिजॉर्ट चल के कबड्डी खेलने के लिए बोल रहे हो? यार राजा, यू आर सुपर्ब राजा। अरे 5 मिनट में जाकर तूने लड़की को पटा लिया, लेकिन उसने लास्ट में क्या बोला? लास्ट में क्या बोला, फिर से बोल। क्या हुआ पता है? वहाँ एक्सीडेंट के साउंड की वजह से मैं वहाँ देख नहीं पाया। मतलब क्लाइमेक्स नहीं देखा तूने? बच गया, इज्जत मेरी नीलाम होते होते बच गई। बस ऐसे ही ब्रो, इसी फॉर्मूले पे जा, तुझसे लड़कियां पट जाएंगी, समझा ना?
समझाना मतलब? फिक्र मत कर, कूल कूल, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब तू देखना, मैं तुझे अब पूरी फिल्म दिखाऊंगा। अब ज़ोंबी, ओके? नमस्ते। हेलो। ट्रेडिशनल ड्रेस में है। क्यों? सिनेमा बना रहे हो क्या? बना नहीं रहा हूँ, आप सिनेमा चलेंगे क्या मेरे साथ? नहीं जी, मैं नहीं आऊंगी। व्हाई? काय को? क्यों? क्योंकि लड़की के साथ सिनेमा जाती हूँ तो सिर्फ फ्लॉप फिल्में ही दिखाता है। सच है, वहाँ पर भीड़ कम होती तो है। आखिरी सीट पे बैठते हैं ना? आखिरी सीट पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। लाइट ऑफ होने के बाद? उसके बाद ही तो सिनेमा अच्छा दिखाई देता है। नहीं, लाइट ऑफ होने के बाद ना। क्या क्या बोलो, मैं बताता हूँ कि क्या होता है। जब फ्लॉप फिल्म लगती है, कोने की सीट में लाइट ऑफ होने के बाद तुम और मैं पपिया जपिया मजम। देखा रामू, तुम 10 मिनट लेट आए ना, तुम उससे ऐसी वैसी बातें कर रहा है। कह रहा चलो सिनेमा चलते हैं, आखिरी सीट पे बैठते हैं, लाइट ऑफ होने के बाद ऐसी वैसी गंदी बातें कर रहा है मुझसे। हेलो फरकेंगे, मेरी बीवी को तो छेड़ता है, गंदी बातें करते हैं, सुनो। किसने मेरी बीवी के साथ इस पार्क में बदतमीजी की है? इसे मारो। अरे राजा, क्या हुआ? अरे सिनेमा सुपर हिट है, आज पता चला मुझे। कैसे बिहेव करना है पता चला ना? कैसे बिहेव नहीं करना है वो पता चला। देख यार, तेरी जान आ गई, उसके पास जा और जो सिखाया वो प्रैक्टिकल कर। हाय। देखो श्रुति, अगर हम दोनों को अपनी पसंद और नापसंद शादी से पहले ही पता चल गई तो हम दोनों की लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, और अगर ऐसा होना है तो हमारे प्यार से पहले भरोसा मजबूत होना चाहिए। घर वालों के दबाव में आकर अगर तुम ये रिश्ता मंजूर करती हो तो जीवन भर के लिए ये टिक नहीं पाएगा। तुम इस शादी के लिए राजी हो? मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये सब कुछ मेरे माँ पापा को पता है। वो जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल अच्छा है। थैंक्स। हेलो, क्या है? हाँ, तुमने जो रूल बनाया वो मैं भी फॉलो करूंगी ना। तुमने तो सवाल कर लिया, अब मेरी बारी, तो अब मैं तुमसे पूछूंगी। बताओ, तुम्हें ये शादी पसंद है क्या? तुम जैसी लड़की को मैं मिस नहीं कर सकता, तुम मुझे बहुत पसंद हो। आने वाले महीने की 9 तारीख 12 तारीख 20 तारीख, इन 3 दिनों में मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। लड़के की कुंडली के हिसाब से अगर इन 3 दिनों में शादी की तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। साहब जी, बिना समय गवाए हुए इनमें से 1 तारीख तय करते हुए शादी फिक्स कर दीजिए। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगले महीने की 9 तारीख को ये शादी हो ही जानी चाहिए। क्या कहते हैं? शुभ मुहूर्त शीघ्रम अच्छा इनकम। हाँ हाँ, ये बात सही है, लेकिन शादी तामझाम से नहीं, सादे ढंग से करेंगे। बेकार में दिखावा क्यों करना? वो तो ठीक कहा आपने, पैसे खर्च करना तो मुझे भी पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, देश के बड़े बड़े नेताओं से, बिजनेसमैन से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वो सब लोग शादी में आएंगे ही। अब उन सभी लोगों के ठहरने की व्यवस्था मुझे किसी 5-स्टार होटल में ही करनी होगी ना। साहब जी, आप शादी किसी भी होटल में कर लीजिए, अगर मेरी दक्षिणा आप मुझे एडवांस में देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए पंडित जी, आप एक पैकेज तय कर लीजिए, मेरी बेटी की शादी, गोद भराई, पोते पोतियों का नामकरण, इन सब का पैकेज आप एक बार में मुझे बता दीजिए, सारे पैसे मैं आपको एक बार में दे दूंगा।
भगवान भला करे इनका। क्या कर रहा है? बॉम्बे सर्कस में चोट लगे हुए जोकर की तरह बर्ताव कर रहा है तू और ये तेरा ड्रेस। सुन, मेरी और मेरे ड्रेस की इंसल्ट मत कर। नहीं यार, मुझे बस डाउट आ रहा है कि सुबह सुबह तू इस तरह उछल कूद क्यों रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबे यार, जब लड़की को देखना चाहिए उस वक्त तू पेपर देखता रहता है, मेरी फीलिंग्स कहाँ समझ पाएगा? अच्छा बता कौन सी फीलिंग्स? अच्छा बता, एक लड़का कलरफुल टी शर्ट पहन के उसकी मैचिंग पैंट पहन के एकदम ढिंचाक बन के कब आता है? जब मॉल में सेल लगता है तो टी शर्ट का हाफ रेट होता है और पैंट एकदम चीप रेट में मिल जाती है। देख तू मेरे साथ कॉमेडी मत कर प्लीज, एक बार मेरी फीलिंग समझने की कोशिश तो कर। ओके चल बता। ब्रो आई एम इन लव, मुझे ना ला ला ला, एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया है। क्या बात कर रहा है, लड़की से? कब, कहाँ, किधर, कौन है वो खूबसूरत लड़की बता। ब्रो एक सवाल को चार बार पूछ सकते हैं, तू चार सवाल एक बार में पूछता है यार, मेरा क्या होगा? सॉरी सॉरी, कौन है वो खूबसूरत लड़की? हाय मेरा नाम राजा है, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना तो कुछ कुछ होता है। अच्छा ऐसा है, वो क्या है कि मैं ना 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 ना, ना कुछ भी मत बोलिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल बहुत पसंद है। सच कह रहा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ? अबे राजा, तूने तो एकदम कमाल कर दिया यार, सुपर राजा। मतलब वो लड़की? हेलो बॉस, वो तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। कहाँ पर? तुम्हारे ससुर के घर। वजह नहीं तो कैसे जाएंगे? ए, प्लान करके जाएगा, कोई पाकिस्तान जाना है क्या? चुपचाप चलना। ए, ऐसा नहीं यार, बिना पूछे और बोल के जाएंगे तो वो लोग गलत समझेंगे ना। बिना पूछ के गए तब गलत होगा ना, तो बोल देते हैं। ये ले फोन और बोल दे फटाफट। राजा लेकिन वो ब्रो, तुझे मेरे ऊपर डाउट है क्या? ए, ऐसी बात नहीं है यार। नो इफ नो बट, चल फोन लगा। 2260 5219। हेलो। हेलो, अर्जुन के घर से मैं बोल रहा हूँ, साहब आए हैं क्या? नहीं तो क्यों? वो क्या है कि इनविटेशन डिजाइन को सिलेक्ट करने के लिए हमें साहब से कुछ बात करनी थी, इसलिए। ओ नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, बोल देना कि अर्जुन अपने दोस्त के साथ वहाँ पे आएगा। ठीक है। अब मैंने उनसे पूछ भी लिया और उनको बता भी दिया, अब तू वहाँ पे जा सकता है। चल चल ना यार। अरे ब्रो, बेल बजाएंगे उनको आने में देर लगेगी, इससे बढ़िया कि दरवाजा ही तोड़ दें। अबे यार, इंटरवल में इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखना। लड़ाई में सोल्जर्स को, प्यार में प्रेमियों को पेशेंस नहीं होता, सिर्फ इमोशंस होता है। टॉयलेट अंदर ही है ना? तुम्हारे घर से फोन आया था। किसी ने काम की वजह से किया होगा। चला जा। बैठिए, कॉफी लेकर आती हूं। कनिका कहाँ हो? बाथरूम में हूँ माँ। हाँ हाँ जल्दी आओ। ब्रो इसकी आवाज सुन के मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। कनिका कनिका मैं आया, कनिका मैं आया, कनिका तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। अबे राजा ये क्या हुआ? जाते वक्त तो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह गया था और आते वक्त किसी लोकल गाड़ी की तरह चलता हुआ आ रहा है। कनिका कनिका मैं तेरा सैया, कनिका कनिका मैं तेरा सैया। वो बोलती होगी तो मोती झड़ते होंगे, वो नाचती होगी तो लगता होगा कि मोर नाच रहे हैं। वो जैसे सामने आएगी मैं उसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे भी अपना घर बसा ही लेना चाहिए। मोहब्बत में जल्दबाजी अच्छी नहीं है, स्लो मोशन में करना चाहिए। आ,
तूने जो लड़की देखी है वो सच में बहुत अच्छी है। अस्मत, तेरी शादी होने वाली है। मैंने सोचा था कि तेरी शादी में मैं जाऊंगा, कोई अच्छी सी लड़की पटाऊंगा और उससे शादी कर लूंगा। लीजिए लीजिए, अचानक कैसे आना हुआ? वो एक्चुअली कार्ड सिलेक्ट करने आए हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि परसों प्रिंट के लिए देना है। वो परसों का कैंसिल कर दिया, आज ही देना है। कॉफी बहुत अच्छी है, फिल्टर कॉफी है ना? हाँ, ब्रू। देखिए मैडम, ये मार्केट में नया फैशन आया है, ऐसी फैंसी साड़ियाँ आजकल सबको अच्छी लग रही हैं। तुम्हें कौन सी साड़ी चाहिए रत्ना? मेरे लिए साड़ी क्यों देख रही है? पहले शुभ काम अपने घर में होना चाहिए। अगर तुमने साड़ी नहीं ली तो अर्जुन को बुरा लगेगा, वो चुप नहीं रहेगा। फिर भी सौभाग्य, ये सब करने की क्या जरूरत? रत्ना, इस शुभ काम की शुरुआत तो हम तुमसे ही करेंगे। इंसानियत के नाते सुख हो या दुख हो, खुशी हो रोना हो, तुमने हमारे लिए जो किया है वो कौन किसी के लिए करता है। ये तो छोटी सी भेंट है। सौभाग्य, हम दोनों के बीच में जो प्यार है, जो भरोसा है, वो ऐसा ही बना रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में राजा। पता नहीं, मूड अच्छा नहीं लग रहा है यार। मूड अच्छा ना हो तो एक काम करो, अंदर जाओ, अलमीरा खोल कर एक किताब निकालो और पढ़ना शुरू कर दो, मूड अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं यार। तो क्या करना है? पता नहीं, लेकिन मुझे बैठने नहीं हो पा रहा है। तो फिर खड़े रह। मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। तो फिर सो जाओ। सो जाओ तो भी नींद नहीं आती यार। देख यार, तू चाहे बैठ के सो जा या फिर खड़े होके सो जा, जो करना है वो कर, लेकिन तू भगवान के लिए मेरे दिमाग को मत खराब कर। साफ साफ अपनी प्रॉब्लम बोल, फटाफट सॉल्यूशन देता हूँ। पता नहीं क्यों श्रुति को देखने का मन हो रहा है। उसके घर पे जाने के लिए कोई आइडिया दे देना। नो वे, आई एम सॉरी। जिस काम को करने में मेरा दिल एक बार मना कर देता, उसे मेरा दिमाग कभी नहीं करता है। ए, तू क्या आइडिया देगा? मैं ही कोई आइडिया अपडेट करता हूँ। हेलो माँ जी, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। सर घर पे आए हैं क्या? नहीं, क्यों? वो क्या है कि सूट मेजरमेंट्स देखने के लिए राजा के साथ आपके घर आने वाले थे, तो इसलिए पूछा। वो आए हैं क्या? इसने मुझे फिर फंसा दिया। उनके मोबाइल पर फोन कर लीजिए ना। किया था, नॉट रीचेबल बता रहा है। ओहो। क्यों बे? हाँ बे। चल बे। तू जा बे। चलना यार। मैं नहीं जाऊंगा। चुपचाप चलता है कि नहीं? चल यार। अरे राजा, बेल बजाऊं या दरवाजा तोड़ दूं? एक काम कर, मेरा सर तोड़ दे। अरे जो हुआ वो भूल जा यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दिल के दर्द को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तुझे मेरी तकलीफ कभी समझ में नहीं आने वाली। हंसते हंसते मुश्किलों का सामना करना है, भूल गया क्या? पीछे हटना मर्दानगी नहीं होती। इसीलिए लोगों ने कहा है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मैंने सही कहा ना? तुम कब आओगी सोच के मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। ऐसा क्या? तुम भी ना, मुझे शर्म आ रही है। वो क्या है ना, मिस ने मुझे ट्यूशन दे के सिखाया है। बोलो ना, क्या सिखाया है? जाओ, मुझे शर्म आ रही है। अरे यार, मेरी किस्मत ही फूटी है। जाओ। घर पे फोन किया था क्या? जिसके लिए फोन किया था वो तो आ ही गई है। एक्चुअली मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तुम ही शर्मा कर चली जाओगी तो क्या करूँगा? मैं कॉफी लेके आती हूँ। वो लड़की आँखों से पिला रही है और ये आँखों से पी रहा है, आँख तो बराबर लगी है। आ,
एक ही कप कॉफी और इसके लिए? हाँ, वो शादी का सीजन है ना, उनके लिए एक बम्पर ऑफर है। बम्पर ऑफर? वहाँ देखो। ऐसी एंट्री का मतलब है ये मुझे प्यार के जाल में फंसा कर मेरी शादी इसी से करवा देंगे। हाँ, सही बोला। इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब तूने ही किया है ना? हाँ, और क्या। दुश्मन की क्या जरूरत जब दोस्त ऐसा हो। ये स्टोरी तूने कब प्लान की बे? वही रात को फोन बिजी आ रहा था ना। उसी गैप में कर दिया था। कमीने, तूने मुझे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉफी तू मेरे लिए क्यों लाई? वो प्यार किया ना इसलिए। तो फिर मुझे नहीं चाहिए? ससुराल में आके ऐसी हरकतें नहीं करते, वो नाराज हो जाएगी। वही तो। ईमेल हुआ, जीमेल हुआ, ब्लैकमेल हुआ, ये कौन सा मेल है बता? बाद में बताता हूँ। बाद में परेशान होने से अच्छा अभी कॉफी पी लेता हूँ। ए मेरा मुंह क्या देख रही हो, कॉफी लाओ। अरे तुम कह रही थी ना कि 3 दिन ट्यूशन लेके तुमने कुछ सीखा है, वो भी बोल दो ना इसे। आई लव यू मंगा। नहीं, रंगा। मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्यों नहीं, तेरे ससुराल की ये बेस्ट लोकेशन है, ये लड़की बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस है। इस लड़की का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, तेरा माइंड ब्लोइंग डायरेक्शन है। टोटल में बोलूं तो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन की तरह ये प्रोग्राम है, और मैं 1 घंटे में जाने वाला एक एंकर हूँ और कुछ नहीं, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ए बैठना यार। नहीं मैं जा रहा हूँ। ए मैंने बोला ना जा रहा हूँ। सासू माँ को बोल के जाना। मम्मी जी मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बैठो, वो सूट मेजरमेंट के लिए दिया था ना। हाँ वो तो। हाँ हाँ मैं समझ गई। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है। फिर भी तुम बहुत स्लो हो पता है। तुम्हारे ससुर जी एंगेजमेंट के दिन ही मुझसे मिलने आ गए थे। एंगेजमेंट हो गई मतलब शादी हो गई। तुम श्रुति को कहीं ले जाना चाहते हो? नहीं, शादी से पहले ही लड़की को ले जाऊंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे ना मम्मी जी। लेके नहीं जाओगे तो तुम्हें गलत समझेगी, आजकल की लड़की है। चांस पे डांस करने का अब वक्त आ गया है। टिंग टिंग, अब आएगा मजा। शाम के रिसेप्शन में 200 लोगों का बुफे डिनर, सुबह 100 लोगों का नाश्ता तैयार रहेगा, और 200 लोगों का दोपहर को लंच एकदम तैयार करके रेडी रहेगा सर। इन सब का टोटल मार के मैंने अमाउंट लिख दिया है सर। सर अलग अलग गांव से ट्रेन से आने वाले गेस्ट को, रेलवे स्टेशन से और फ्लाइट से आने वाले गेस्ट को, एयरपोर्ट से होटल तक जाने की टैक्सी की व्यवस्था भी करवा दी है मैंने सर, और होटल में रूम भी बुक करवा दिए मैंने उनके आराम करने के लिए, और लड़के के लिए ऑडी कार बुक की है। कल सुबह वो कार फूलों से सजी हुई यहाँ पे तैयार मिलेगी आपको सर। अब आप अच्छे से अपना हिसाब किताब सब कुछ चेक कर लीजिए सर, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड सतीश, हमारी पहली बेटी की शादी हो रही है। शादी की सारी व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि अगले 10 साल तक लोग इस शादी को भूलने की बात सोचे भी नहीं। अर्जुन ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? इनविटेशन डिजाइन तो सिलेक्ट कर लिया, सूट का मेजरमेंट भी ले लिया, अब वहाँ जाने के लिए कौन सा आइडिया बचा है जरा मुझे बताना। अरे माँ, वो एक वृद्धाश्रम के सिल्वर जुबली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए मुझे एज अ चीफ गेस्ट वहाँ बुलाया है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ माँ। 2 दिन में तुम्हारी शादी होने वाली है अर्जुन, इस तरह से जाना ठीक नहीं होगा। प्लीज माँ, वहाँ बहुत से वृद्ध लोग रहते हैं, उनकी पूछताछ करने वाला, उनसे बात करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए उन बेचारों से थोड़ी सी बात करके उनके दिल को तसल्ली देकर उनसे आशीर्वाद लेकर आऊंगा माँ। वृद्धाश्रम का काम है तो मैं मना कैसे करूं। ठीक है, होकर आओ। थैंक्स माँ, मैं आता हूँ। सौभाग्य, हाँ तुम अभी भी अपने बेटे को छोटा बच्चा ही समझती हो। वो पूरा शहर संभालता है, और तुम हो कि ये मत करो बेटा, वो मत करो, छोटे बच्चे की तरह तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। बड़ा हो गया है तो क्या माँ का बेटा नहीं? इनसे कुछ सीखो। मेरी माँ ने कुछ नहीं सीखा, बचपन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ मारती रहती है। राजा सर, बड़े बड़े ऑफिसरों को आप ऑर्डर करते हैं, लेकिन माँ के सामने आप घर में बच्चे बन जाते हैं। मेरी इस पिछड़ी हुई जिंदगी को बहुत सुंदर बनाने के लिए मेरी माँ ने दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम भी किया था।
ये सब मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ माँ की वजह से ही हूँ। आज मेरे पास जो भी पदवी है, अधिकार है, उन सब के लिए अगर माँ का श्रम हटा दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी माँ के सामने अगर मैं अपना शीश ना झुकाऊं तो मेरा क्या फायदा है? सर, मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। इंसान जब बड़ा होता है तो उसमें गुरूर भी आ जाता है, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं आ गया। मेरा नाम है रॉकी। मैं तुम्हारा पति जोकी। ऑटो का 20 रुपया है बाकी। मुझे पता है, लेकिन पूरे गांव को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ कितना हुआ? मीटर से 20 रुपया ज्यादा देने के लिए बोला था ना, ध्यान रखना। हम जुबान पे रहने वाले हैं, समझे? मेरा मीटर। कितना हुआ? ओ, मेरा मीटर कहाँ चला गया? अपना मुंह बंद कर, उसके पैर है क्या जो चलकर गया है? अरे मीटर का नट बोल्ट खोल के कोई लेकर चला गया। झूठ मत बोल। मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ सर। मेरी चैन, चैन। ए, चैन भी चलकर जाएगी क्या? अरे नहीं सर, मेरे ससुर ने मेरी शादी में मुझे चैन दी थी। हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? मुंह बंद कर, मास्टर के सामने कुछ भी बोले जा रहा है। सर, सर, तुम मेरे स्टूडेंट और मैं तुम्हारा मास्टर हूँ क्या? अरे सर, मेरा मीटर, मिरर, हॉर्न, चैन सब कुछ लेकर कोई चला गया। तो तब क्या बोल रहा था कि मीटर पर 20 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए? सर, मेरा मीटर मुझे दिला दीजिए, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। सर, मेरा मीटर दिला दीजिए। मीटर और चैन खो गई तब तुझे समझ में आ रहा है? जब हम बोल रहे थे तब तुझे समझ में नहीं आ रहा था? गलती हो गई सर, अब दिला दीजिए सर। नहीं, मैंने कहा था गाड़ी सामने देख के चलाओ, लेकिन तुम मिरर में मेरी बीवी को देख के गाड़ी चला रहे थे। अरे माफ कर दीजिए सर, माफ कीजिए बहन जी। सर, मेरी चैन दे दीजिए, अगर मेरी चैन मुझे नहीं मिली तो मेरी बीवी मेरी हालत खराब कर देगी सर। उतना तो मुझे भी एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम्हारी पिटाई तो फिक्स है। जाने दो, तुम्हारा क्या क्या गया बताओ। सर, मेरी चैन। स्नैपिंग शो। धन्यवाद सर। रॉबरी रमेश। मैं यहाँ हूँ। लेजर सोमा। एसिड राजा। सर, ये चारों आपके बच्चे हैं? है, इस सब प्रॉपर्टी का मैं ही अकेला मालिक हूँ। ओ बाप रे, ये क्या सर, आपके बच्चे इतने खतरनाक हैं? नहीं तो क्या, मेरी फैमिली का नाम बोला तो राउडी डॉन अंडरवर्ल्ड तक कांपना चाहिए। सर, मैडम तो प्रेग्नेंट हैं। आने वाले बच्चे का क्या नाम रखना चाहेंगे सर? वो ऑलरेडी बड़े बड़े डॉन्स का नाम मैंने सोच के रखा हुआ है। क्या सोचा है? उमेश कड्डिया। ओ बाप रे। सर, अगर गलती से आपकी बेटी पैदा हुई तो क्या नाम रखेंगे सर? सैनारे मल्ली नाम रखेंगे। देश का उद्धार हो जाएगा सर। वाह वाह वाह, कितनी देश की भक्ति। दे दो 200 रुपए। सर, डिस्काउंट नहीं होगा सर? मेरी फैमिली में डिस्काउंट पूछते हो क्या? निकालो। चलो। ये लगाना आता नहीं और ड्राइवर बन गया है। ऐसे 3-4 बकरे और मिल जाएंगे तो लाइफ हैप्पी हो जाएगी। अरे सर, अब क्या हुआ, शोर क्यों कर रहे हो? मेरी हीरोइन नहीं दिख रही है सर। तुम्हारी हीरोइन कौन है? दीपिका ना? कैटरीना? तो और कौन है? सन्नी लियोनी सर। ओहो, सन्नी लियोन। या मेरी फैमिली में हीरोइन का क्रेजी फैन बस एक ही है, पता है कौन है? कौन है सर वो? बाल सत्यानंद। पिताजी, उनकी बिकनी वाली हीरोइन नहीं दिख रही है। आप उस बिकनी वाली की बात कर रहे हैं? वो सबकी बहुत सेवा कर चुकी, अब उसे मोक्ष मिलना बहुत जरूरी है पिताजी। तुम्हारे पास तो बहुत सारी हीरोइन है, उनको मोक्ष दिला देना। सन्नी इसके लायक नहीं है। देखो, इनकी हीरोइन इनको वापस दे दो। अभी देता हूँ पिताजी। सर, सर, आपकी फैमिली की एक फोटो चाहिए सर। क्यों, फोटो लेके फ्रेम करा के घर में रखोगे क्या? नहीं सर, इस फोटो की पैम्पलेट छपवा कर सारे ऑटो वालों को दे दूंगा सर। ओ, मतलब कोई भी ऑटो वाला मेरे से ज्यादा ना मांगे? नहीं, आपकी फोटो देखकर इस तरह गायब हो जाएगा। अरे ये ऐसे कैसे गायब हो गया? ठीक है, आओ आओ चलते हैं। कौन हो तुम लोग? इतनी छोटी सी हाइट लेकर के कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? क्यों भाई, हाइट है इसीलिए घमंड दिखा रहे हो क्या?
अच्छी शर्ट पहन के अपनी स्मार्टनेस दिखा रहे हो। ए, इस जोकी फैमिली से सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं संजीव शेट्टी का मैनेजर। ओहो, डैमेजर। ए, डैमेजर नहीं, मैनेजर। वो सब छोड़ो, मैनेजर का काम करने वाले सब लोग डैमेज ही करते हैं। मैं संजीव शेट्टी जी के करीब का रिश्तेदार हूँ। करीब मतलब इतना? मैं संजीव शेट्टी जी की छोटी माँ के दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, छठी मौसी के दूसरे जीजू का, छोटी दीदी का छोटा जीजू हूँ। डैडी वन मिनट आउट। और ये तो क्या, इस जो की फैमिली से सवाल पूछा तो जवाब सुन के हर किसी को कोमा में ही जाना पड़ेगा। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलते हैं। सौभाग्य, अरे क्या हो गया? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो 6 बज गए हैं, अभी तक अर्जुन नहीं आया। राजा। हाँ आंटी। अर्जुन को फोन करो, कहाँ है पूछो। जी। नॉट रीचेबल है, शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। शाम को कॉल करो। सेम वॉइस सेम डायलॉग। श्रुति, अर्जुन को फोन किया था क्या? किया था ना, सुबह सुबह किया था। क्या बात है? सुबह वो किसी वृद्धाश्रम के लिए निकला था, अभी तक नहीं आया है। आते ही होंगे वो, अभी तो 10 ही बजे है ना। फोन किया था, नॉट रीचेबल आ रहा है। उनके फोन का चार्ज खत्म हो गया होगा, इसलिए नॉट रीचेबल बता रहा है। ठीक है बेटा। The mobile number you have dialed is currently not reachable. Please try again later. Shh! पता नहीं कहां पर है ये। इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। बच्चों की तरह बिहेव करते हैं ये लोग। आप वो ड्राइवर श्याम की वाइफ है ना? हाँ जी। साहब कहाँ हैं? हम भी उनका ही वेट कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है। मेरे पति ने पहले ऐसा कभी नहीं किया, और अब तो बच्ची भी बोल रही है कि पापा चाहिए। मैंने फोन किया था, वो भी नॉट रिचेबल बता रहा है। कहाँ गए हैं वो? कहाँ जाएंगे, किसी जरूरी काम में फंसे होंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। इतनी देश की सेवा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, भगवान को ही पता होगा। आप अंदर जाकर बैठिए, जैसे वो आएंगे हम तो डांटेंगे ही, आप भी डांटिएगा। अरे काम के साथ साथ फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है, आप बैठिए ना प्लीज। आइए बैठिए ना। मम्मी पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, इनके लिए थोड़ा खाना लेकर आओ। सौभाग्य, बहुत हुआ, चलो अब तुम भी कुछ खा लो। कल रात से ना सोई हो ना कुछ खाया है, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। हो सकता है कुछ अर्जेंट काम आ गया हो, इसलिए वो कहीं बाहर चला गया हो। इतनी सी बात को लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो सौभाग्य? कल रात से मैंने अपने बेटे की आवाज में माँ शब्द भी नहीं सुना। मेरे गले में खाना कैसे जाएगा रत्ना? कहीं भी रहे, कितना भी बिजी रहे, हमेशा फोन करता है, पूछता है माँ खाना खाया, माँ तुमने अभी तक मेडिसिन ली या नहीं। अभी तक उसकी आवाज नहीं सुनी। हेलो। हेलो, तिवारी जी से बात कर रहा हूँ ना? नहीं, टीपू त्रिपाठी।
सुबह सुबह फोन करके दिमाग खराब कर दिया। अब बताओ तुम्हें तिवारी जी से काम क्या था आखिर? सॉरी सॉरी, मैं तिवारी जी का खास दोस्त हूँ, मेरा नाम राजा है। ओ, बोलो। कोई खास बात नहीं, कल तिवारी साहब एक वृद्धा आश्रम की एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए गए थे ना, अभी तक वापस नहीं आए, कुछ खबर है कि कहाँ होंगे वो? हेलो, अगला महीना आने में अभी पूरे 23 दिन बाकी है। कल साहब की शादी है जिसके लिए साहब ने पूरे 1 महीने की छुट्टी ली है। अब तुम ही बताओ, शादी के टाइम पे कोई ऑफिस आएगा क्या? अब सही सही बताओ, कौन हो तुम? देखिए, मैं राजा बोल रहा हूँ और आप सिचुएशन को थोड़ा सा समझिए। कल से साहब और ड्राइवर श्याम दोनों घर वापस नहीं आए हैं और उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा, उनकी फैमिली बहुत टेंशन में है। देखता हूँ, रुको। बोलो नैना। और दुल्हन जी, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छे से ही चलना चाहिए, तुम्हें क्या कमी है? बड़े बाप की बेटी हो, जिला ऑफिसर से शादी, बहुत लकी हो। तुम माँ के घर में भी खुश हो और अब ससुराल में भी खुश रहोगी। अच्छा श्रुति, आज मेरे घर में कुछ काम है यार, तो मैं तेरे रिसेप्शन में नहीं आ पाऊंगी, पर तेरी शादी में मैं जरूर आऊंगी, तू बुरा मत मानना यार। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो आप लोग हो उसके बलशाली पुत्र, ये क्या कर रहे हो आप लोग? आधा आधा काम बेवकूफ कहीं के, अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा क्या? किस तरह से काम कर रहे हो आप लोग, जैसे कि शादी के लिए अभी और 6 महीने बाकी हैं। अरे जल्दी जल्दी काम करो। अरे अपने शेट्टी जी की बेटी की शादी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आप लोग क्या यहाँ पर तमाशा देखने आए हो? अरे कल पंडित जी भी आ रहे हैं, तुम लोग अच्छे से काम करो। इसको देखो, यही काम करता रहेगा, और कोई काम है ही नहीं इसके पास। चलो चलो हटो, काम वाम करते नहीं है, बस टाइम पास करते रहते हैं। ये क्या है समधन जी, आपने अपने बेटे को इतने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया, हम सब ने तो यही सोचा था कि वो हर तरह की समस्या का समाधान ढूंढ लेगा, लेकिन वो तो यहाँ मेरी ही इज्जत के साथ खेल रहा है। हमारे जान पहचान के सारे लोग अपने शुभ कार्य मेरे हाथों से शुरू करवाते हैं। ऐसा संस्कारी आदमी हूँ मैं, मेरी बेटी जो है रानी की तरह पली है, कोई कष्ट नहीं होने दिया उसे, लेकिन आज जबकि उसकी शादी होने वाली है, कहाँ तो उसके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो देख करके मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। आज हमारे घर में शादी हो रही है, दामाद और उसकी माँ से मिलने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे जैसे पल बीत रहा है, मुहूर्त का समय नजदीक आता जा रहा है, पर आपके बेटे का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप बताइए, हम सब यहाँ पर हाथ में अक्षत लिए हुए बैठे हैं, पता नहीं हमारी किस्मत में ये शुभ कार्य लिखा भी है कि नहीं, हमारी स्थिति का अंदाजा लगाइए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपका बेटा ऐसा करेगा। आपका बेटा अगर यहाँ आकर शादी कर लेता है तो ठीक, नहीं तो सुन लीजिए, आपके और हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। संदीप जी, मेरा अर्जुन नहीं आया ना माँ, तो मैं जी नहीं पाऊंगी माँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती माँ। सुनना, सच कहूँ तो इन लोगों के साथ इतना बुरा होगा मैंने सोचा नहीं था। इतना बुरा दुख तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। जिला अधिकारी अर्जुन गायब है। जिला अधिकारी अर्जुन लापता है, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। हेलो एसपी साहब, मैं होम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। कहाँ भेज दिया है आप लोगों ने अपने डीसी साहब को? उनकी तलाश जारी है, उन्हें जल्दी ढूंढिए। अपोजिशन पार्टी वाले हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने ही उन्हें गायब करवाया है, ये मीडिया वाले भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने जल्दी से उन्हें नहीं ढूंढा तो ये बात हमारे ऊपर आ जाएगी। शाम को डिटेल देता हूं मैं। हाँ, कुछ भी करो लेकिन जल्दी। ठीक है सर। ऑफिसर
डिपार्टमेंट को चाहिए गन से भी ज्यादा आवाज करने वाला, बुलेट से भी ज्यादा तेज चलने वाला दिमाग। ऐसा जांबाज ऑफिसर कौन हो सकता है? सर, इस केस के लिए अभी ही बेस्ट है। हाँ सर, मेरे दिमाग में भी उनका ही नाम। दिमाग में सबसे तेज है सर। केस हैंडल करने में माहिर है सर। बहुत ही बहादुर है। नहीं, बार बार मुझे छोड़ दो। निश्चित टाइम में केस को क्लोज कर देते हैं। आज तक उनका एक भी केस फेल नहीं हुआ है सर। अभी के अभी बुलाओ उसे। May I come in, sir? Yes, come in. अभी तुम्हें यहां बुलाया गया है जिला ऑफिसर मिसिंग केस हैंडल करने के लिए। अभी ये केस हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है। इससे पहले कि नेता टीवी पर और जनता रोड पर आकर धरना दे, ये केस क्लोज होना चाहिए। टेक द फाइल। जरूर सर, आपका और डिपार्टमेंट का जो भरोसा मुझ पे है उसे जरूर पूरा करूंगा सर। ऑल द बेस्ट। यस सर। श्रुति जी, आपको अर्जुन पसंद है क्या? बहुत पसंद है सर। अर्जुन जैसा लड़का मुझे मिला, ये मेरी खुशनसीबी है सर। लेकिन लेकिन श्रुति जी, हो सकता है कोई आपके प्यार में पागल हो या अर्जुन का कोई दुश्मन हो, ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है सर। मैंने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही देखा है और उसी से प्यार किया है। शेट्टी जी, आप बड़े आदमी हैं, समाज में आपका बहुत नाम है, आपको अपने स्टेटस के बहुत सारे रिश्ते मिल सकते थे, फिर भी अपने घर में काम करने वाले के साथ रिश्ता। देखिए इंस्पेक्टर, चेहरा देखकर रिश्ता जोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ, संस्कार देखकर इज्जत देने वाला हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेहनत और काबिलियत के बल पर ही अर्जुन आज यहाँ तक पहुँच पाया। अपने पति की मौत के बाद इज्जत से काम करते हुए अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया है इस माँ ने। ऐसे लोगों को मैं अपने स्टेटस के लिए कभी नहीं छोड़ सकता इंस्पेक्टर। मैंने ये शादी अपने पसंद से ही फिक्स की थी इंस्पेक्टर। थैंक यू शेट्टी जी, इतना काफी है, फिर मिलेंगे, अभी चलता हूँ। शेट्टी जी के घर में आप काम करती थी और इतने बड़े घर में आपके बेटे का रिश्ता। वो शेट्टी जी का बड़प्पन है और मेरे बेटे का भाग्य। शेट्टी जी ने खुद रिश्ता जोड़ा था, शादी की तैयारी की थी। अभी शादी होने के वक्त पर किसी की नजर लग गई है। हौसला रखिए, आपके बेटे को ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है, चलता हूँ। माँ जी। खुद को संभालो सौभाग्य, भगवान पे भरोसा रखो, अर्जुन वापस आ जाएगा। अब कैसे भरोसा रखूं भगवान पे रत्ना? एक बार भी भगवान को याद किए बिना खाना नहीं खाया मैंने। और भगवान ने क्या किया मेरे साथ? पहले मेरे पति को अपने पास बुला के विधवा बना दिया और आज मेरे बेटे को भी मुझसे दूर करके मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। अब मैं क्या करूँगी रत्ना? अपने आप को खतरे में डालकर लोगों की सहायता करने वाले वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। धमकी कॉल और ब्लैक में उनको कभी भी कॉल नहीं आया सर।
उनको डरा हुआ या चिंतित कभी भी नहीं देखा सर। ओके थैंक यू। प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से हुई है। उस दिन वह यहां कब आया था, किससे मिला था और क्या बातें हुई थी, पॉइंट टू पॉइंट याद करके डिटेल में बताओ। सर उस दिन 1 बजे के आसपास डीसी साहब यहां पर आए थे। नमस्ते सर, आइए आइए सर। यहाँ पर सबका परिवार होते हुए भी लोग अनाथ की तरह रहते हैं सर, सबकी प्रॉब्लम सुनी उन्होंने। वो सबके साथ बैठकर खाना भी खाए। सब लोगों के साथ बैठ के हंसी मजाक भी किए। वो सब लोगों को शादी में आने का निमंत्रण भी दिए और सबका आशीर्वाद लेकर के फिर बाहर आ गए। सर यहां पर आश्रम के बारे में अपनी राय लिखिए सर। ये क्या सर, ऐसा लिखा आपने? हाँ आपने बिल्कुल सही पढ़ा। माता और पिता भगवान होते हैं और भगवान को हमेशा मंदिर में ही रखना चाहिए, इस तरह वृद्धाश्रम में नहीं। इनके बच्चों को ईश्वर बुद्धि दे और यहां से अपने माता पिता को वापस ले जाए और ये आश्रम बंद हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। और अगले दिन उनके ऑफिस से मुझे फोन आया था, साहब कब निकले वहां से, अभी तक घर नहीं पहुंचे। उनका हम लोग फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन नॉट रीचेबल है। हमने जब न्यूज देखा तो हमें बहुत दुख हुआ सर। ठीक है धनंजय जी, आपने जो कुछ भी बताया उम्मीद करता हूं कि वो सच होगा। चलता हूं। सर डीसी साहब उस दिन विवेकानंद वृद्धाश्रम के 25वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय आखिरी बार उनकी कार सिटी के पास मेटिकोपा फॉरेस्ट में लोकेट हुई थी और इसके बारे में जीपीआरएस ट्रेस करने के बाद हमें पता चला। मेटिकोपा फॉरेस्ट में नेक्स्ट लाइट एक्टिविटीज बहुत है सर। डीसी साहब वहां पर क्यों गए थे ये एक सवाल है सर। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस दिन रास्ते में एक टावर में से नंदकुमार नाम का एक आदमी साहब को मिस कॉल किया था सर। ये उसके फुल डिटेल है, देख लीजिए। शिवराज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट से डीसी साहब की कार कहां है जांच लो, डू इट फास्ट। यस सर। नंदकुमार लक्ष्मीपुरा, यहां से 2 किलोमीटर दूर, मकान नंबर 116। नंदकुमार यहीं पर रहते हैं क्या? है सर। अभी कहां पर अंदर है सर, सुनिए पुलिस वाले आए हैं। नमस्ते सर। बैठिए। बोलिए सर। तुम जिला अधिकारी अर्जुन जी को जानते हो क्या? जानता हूं सर। उस दिन तुम्हारी मुलाकात उनसे हुई थी? मिला था सर। क्यों? सर बहुत दिनों से मुझे एक फ्लावर चाहिए था। उस दिन मैं फोटो खींच रहा था तभी मैंने डीसी साहब की कार को जाते हुए देखा और तब मैंने कुछ डिसाइड किया और मैं कार का वेट करने के लिए खड़ा हो गया। शाम जी गाड़ी रोकना जी रोक। देखो कौन है।
ए मिस्टर, कौन हो तुम? गाड़ी क्यों रोकी? जानते हो गाड़ी किसकी है? अर्जुन सर से मुझे थोड़ी सी बात करनी है। ये कोई बात करने की जगह है? आप ऑफिस में आ जाइएगा। जाइए। शाम, उनको भेज दो यहाँ पे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम नंद कुमार है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। आपसे कुछ बात करनी थी सर। हाँ। सच कहूं तो सर, ये धरती हमारी माँ के समान है। हमें जीवन देने वाली, पाल पोस कर हमें बड़ा करने वाली ये धरती भी तो माँ के समान है सर। पर लोग स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों पेड़ पौधे सबको नष्ट कर देते हैं सर। आप ही बताइए ये कहाँ का न्याय है? एक दिन फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ से बहुत दूर प्रकृति के काफी नजदीक एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ में गया था, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर वो खूबसूरत सा पहाड़ बिल्कुल बंजर हो गया सर। और इसका कारण है मिस्टर प्रकाश, प्रॉपर्टी के नाम पर वो बहुत सारा गलत काम करते हैं सर। वो लोग पैसों के बल पर भोली भाली जनता का हक मार लेते हैं सर। भूमि संरक्षण के नाम पर मिलने वाले पैसे को ये लोग खा जाते हैं सर। इतना ही नहीं सर, इलेक्शन के टाइम पर ये लोग हर पार्टी को खूब सारा पैसा खिलाकर ये बच जाते हैं और माइनिंग माफिया का धंधा चलता रहता है सर। आप जैसे ईमानदार आदमी को ये सारी जानकारी देना मेरा फर्ज था सर, इसलिए मैं आपके पास आया। आपके पास आने से पहले मैं कई बार बहुत सारे अधिकारियों के पास गया था, लेकिन किसी ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी सर। पूरा सिस्टम करप्ट है सर। प्रकाश की पहुंच सरकार में ऊपर तक है और पुलिस भी उसके साथ मिली हुई है सर। होम मिनिस्टर, जिला अधिकारी, यहाँ तक कि तहसीलदार भी उसका साथ देता है। ये प्रकाश पैसों के लिए जीवन देने वाली इस धरती को नष्ट कर रहा है सर। अगर आप और मैं चुप रह गए तो इस धरती को कौन बचाएगा सर? हमारे ऊपर इस धरती का कर्ज है सर, और हमारा कर्तव्य भी है कि जान से प्यारी इस खूबसूरत धरती को हम कैसे भी करके बचाएं सर। इस दुनिया में बुरा काम करने वाले तो बहुत से लोग रहते हैं। बुराई देखकर भी नजरअंदाज करने वालों की और सिर्फ अपना फायदा देखने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स नंद कुमार। थैंक यू सर। आपका नंबर मिल सकता है? अगर मेरे पास कुछ और भी जानकारी होगी तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। थैंक यू सर। और हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। सर, जीपीआरएस ट्रेसिंग रिपोर्ट के हिसाब से डीसी साहब की कार शहर में प्रवेश न करके बाहर ही बाहर वहां चली गई सर। इन्होंने जो बताया वो माइनिंग कंपनी वही है सर। गिरफ्तार कर लो इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा यकीन कीजिए। इन्हें क्यों ले जा रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या किया है सर? इन्होंने क्या किया है सर? सर मेरा यकीन कीजिए। इन्हें क्यों ले जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए सर। सर इन्हें क्यों ले जा रहे हैं आप? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज। भाई ये तो कम है, थोड़ा और चल निकल। पागल कहीं का। पुलिस आ रही है भाई। कौन है? नमस्ते सर। क्या सर सभी ऑफिसर्स कार लेकर इतनी दूर आए हैं? दूरी से फर्क नहीं पड़ता, जहां क्राइम होता है वहां हम पहुंच ही जाते हैं। क्रिमिनल्स को सजा देना हमारा काम है। सर मैं कुछ समझा नहीं। जिला ऑफिसर मिसिंग केस के बारे में तहकीकात चल रही है। नहीं सर, उनके मर्डर के लिए यहाँ पर पूछताछ की। मुझे पता चला है जिस दिन जिला ऑफिसर गायब हुए थे उस दिन वो यहाँ आए थे। हाँ सर वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की थी सर। वो यहाँ आए थे ये पूछा, इंक्वायरी किया ये नहीं पूछा। माइंस में काम करते हो ना, पैसे छोड़कर इंसान नहीं दिखते क्या तुम्हें? ठीक से याद करके बताओ। नहीं सर, वो यहाँ पर आए थे बोलने के लिए, मुझे क्या डर है सर। थैंक यू सो मच। अभी कहाँ हो तुम? फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ।
अभी अमरावती नगर में एक गैंग ने ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी को गन दिखा करके 1 करोड़ रुपए की लूटपाट की है। तुमको फौरन एक्शन लेना होगा और इनको तुरंत पकड़ना होगा। सर, जिला ऑफिसर का केस? अभी वो केस प्रताप हैंडल करेंगे। सर 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 सर, ऐसा मत कीजिए सर, मैंने इस केस में पूरी जान लगा दी है सर, सिर्फ 2 दिन दे दीजिए सर। जिला अधिकारी को क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे सबूत आपको हैंडल कर दूंगा सर। अभी ये बात मेरे दायरे में नहीं है। होम मिनिस्टर का प्रेशर आ रहा है कि इस केस को मिस्टर प्रताप हैंडल करेंगे, इसलिए केस हमको उनको देना पड़ रहा है। सर सर प्लीज सर, ऑलरेडी क्लू मिल गया है सर, और 2 दिन दे दीजिए सर प्लीज सर। जिलाधिकारी के केस में तुमसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता, समझने की कोशिश करो। ज्यादा टेंशन मत लो, बोलते हैं लोग मेरा सर दर्द कर रहा है, कोई बाम लगा दो, कुछ भी मत खाओ बोलते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं राजस्थान की दाल बाटी और हैदराबाद की बिरयानी खाओ। देख लो तुम्हारी कार गाड़ी। ए पुलिस, ये सब ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? जिला ऑफिसर कहाँ है? मेरे पॉकेट में नहीं है। एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है कि आपको तो बता। बोल। बता जिला ऑफिसर कहाँ है? अरे बाप रे सर, उस दिन कलेक्टर साहब मेरी माइनिंग कंपनी में आए थे सर। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन हैं आप? मेरा नाम कुमार है सर, इस माइनिंग कंपनी का मैनेजर। सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपकी कंपनी में इलीगल काम चल रहा है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, इसलिए मैं यहाँ देखने चला आया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ पर सब लीगल चलता है सर, आपके होते हुए गलत कैसे कर सकते हैं सर। सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है सर। इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो या राइट हो, ये बातों से नहीं पता चलेगा मिस्टर कुमार, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद पता चलेगा। कलेक्टर साहब आए थे, मैंने कॉल करके अपने बॉस को बताया था, रास्ते के बीच में गाड़ी रोक दी थी सर। नमस्ते सर, मेरा नाम है प्रकाश चंद्र, लोग मुझे प्रॉपर्टी प्रकाश चंद्र कहते हैं। आप जहां से जाकर आए ना, वो मेरी कंपनी है, मैं उसका ओनर हूँ। आप टेंशन में आ गए सर, मैंने जिला अधिकारी को बीच रास्ते में रोक दिया इसीलिए। गलत काम करने वाले तो बीच रास्ते में आकर ही रोकेंगे ना, और क्या कर सकते हैं। ओह सर, तो बहुत ही टेंशन में आ गए यार, मैंने गलती कर दी, जिला अधिकारी को एक दिन अच्छी सी पार्टी देनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, चलिए सर अभी भी अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं, हैंडसम है, बैचलर भी हैं, सब कुछ मिलेगा, नहीं तो यहीं अरेंज कर दूं क्या? हाँ मस्का मारने की कोशिश कर रहे हो, बताओ बात क्या है, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या साहब जी, बुरा मान गए, और लोगों की तरह मैं भी थोड़ा कर रहा हूँ, वो भी आप जैसे ऑफिसर्स के आशीर्वाद से। देखिए साहब जी, सीधी सीधी बात, हर महीने आपको चढ़ावा मिल जाएगा, आप जहाँ चाहेंगे वहाँ, अपने दूसरे अधिकारियों की तरह आप निश्चिंत होकर शांत बैठे रहिए। धरती माँ को तकलीफ देकर पाप का कमाया पैसा आपसे लेने के लिए मैं कोई आपका कुत्ता या गुलाम नहीं हूँ, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। साहब जी, आप जैसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स सिर्फ मामूली लोगों के लिए बड़े होते हैं, हम जैसे बिजनेसमैन के लिए आप सिर्फ ताला खोलने वाली चाबी हो। अगर ऐसी बात कर रहे हो तो अब डीप इन्वेस्टिगेशन करवानी ही पड़ेगी। साहब जी, आप कितनी भी डीपली इन्वेस्टिगेशन करो लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, बेवकूफों जैसी बात मत करो, पैसे कमाने के टाइम पर पैसे कमाओ, जो मिलता है आंखें बंद करके ले लो। हाँ सोच के बताना। हेलो
यहाँ पर डीसी बनकर आया हूँ मैं। जो मिट्टी का सौदा करते हैं, उसे धोखा देते हैं, उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ये मेरा रूल है। ए प्रकाश, ऐसे लोग पैसे कमा कर विदेश में बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। ये धरती तुम्हारे अकेले की प्रॉपर्टी है क्या? जब सब लोगों के बारे में सोचोगे तब पता चलेगा। इस तरह से जीवन जीना मनुष्य का काम नहीं होता, ध्यान में रखना। लेकिन मैं आपसे इतनी बात क्यों कर रहा हूं? अगर आप सही कर रहे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर गलत कर रहे हो तो इस जन्म में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलता हूं। सर 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 सर, रुकिए सर, मेरे बॉस की बात तो सुन लीजिए सर। ए, चल साइड दे दे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे रास्ते में तुम आ रहे हो। हमें सिर्फ मिट्टी खोदने ही नहीं आता, मिट्टी के नीचे दबाने भी आता है। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? धमकी देने के लिए? आप कोई छोटे बच्चे हो क्या? कलेक्टर हो? कलेक्टर आइए, इसकी पढ़ाई की है तो सिर्फ सिर में दिमाग पाने के लिए नहीं, सामने वाले को तोड़ना भी अच्छे से आता है। ए, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अगर ये मेरे रास्ते का रोड़ा बनेगा तो मैं इसे बताऊंगा कि मेरा पावर क्या है। देखते क्या हो, खत्म कर दो। रिश्वत दे रहे थे तो कलेक्टर साहब ने मना कर दिया था, और अगर इनको छोड़ दिया तो कानून को पता चल जाएगा, इसीलिए उनको मार डाला सर, मार डाला सर। जिंदगी में मेरा अर्जुन हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। साथ में ड्राइवर को भी मार डाला। नहीं 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 सर, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। शाम को 6 बजे मेरे बॉस ने कॉल करके बताया कि जल्दी से नंदी फॉरेस्ट में आ जाओ और साथ में मिट्टी खोदने के लिए सामान भी ले आओ। क्या हुआ बॉस, आप इस वक्त यहाँ और खोदने का सामान लाने के लिए क्यों कहा था? बॉडीज को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगे थे सर। दोनों बॉडीज को एक ही साथ दफना दिया था सर। डीसी के कार को इस तरह डैमेज कर दो कि पता ना चले कि किसकी कार है। ओके भाई। कोई भूल नहीं होनी चाहिए। ओके भाई। हाँ। जीपीआरएस टेक्नोलॉजी है ये, इसलिए जानबूझकर फॉरेस्ट में
मोबाइल को छोड़ दिया सर। अच्छा आईएस ऑफिसर को मार रहा तूने? मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। तेरा बॉस कहाँ है? बता। बताता हूँ सर। बॉस कहाँ? क्या हुआ? ऐसे ही पूछा। गोडाउन में हूँ। ठीक है बॉस। सर गोडाउन में है, बोल रहे हैं। गोडाउन कहाँ है? कृष्णा फार्म हाउस में सर। गाड़ी तो तुम चलाओगे, रास्ता कौन दिखाएगा? बड़े बड़े गुनाह करने वाले भी कानून के खिलाफ सबूत जमा करके अकलमंदी का काम करके बच जाते हैं। अरे लेकिन आपने गुस्से में चाकू से डीसी की हत्या करके बहुत बड़ी गलती की प्रकाश। बेचारा डीसी। देखो एसपी, पीछे मुड़कर देखने के लिए और उस पर दुख जताने के लिए टाइम नहीं है। मैं हमेशा आगे देखकर बात करता हूँ। उस दिन डीसी नहीं मान रहा था। सब कुछ अपने हाथ में रखने के लिए मैंने सबके पास जाकर सब लोगों के पैर पकड़े, उन्हें पैसे दिए और परमिशन लेकर आया। तुम जैसे कितने ऑफिसर्स को पालता हूँ, उन्हें खिलाते रहता हूँ मैं, भूल जाओ उसे। अब जो आगे होने वाला है चुपचाप उस पर ध्यान रखो। अगर किसी पेड़ से फल को तोड़ा जाए तो पेड़ को पता नहीं चलेगा। उसे मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है प्रकाश, तुमने जिला अधिकारी को मारा है। CMPM को नहीं मारा ना। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग है तो उस पर जरा जोर डालो। उस सिंसियर ऑफिसर को काबू में करने के लिए कोई प्लान करो। ये CID और CBI वाले GPS और GPRS के जरिए ये जान गए कि वो DC हमारी कंपनी में उस दिन आया था, लेकिन उसका खून हो गया और मैंने ही उसका खून किया, ये किसे पता है? देखो SP, इस केस को तुम्हारा ऑफिसर ही हैंडल कर रहा है। ये नेक्स्ट लाइट का हमला है ऐसा स्टेटमेंट बना दो। पुलिस उनका सुराग ढूंढ रही है ऐसा बोल दो। वो ढूंढती रहेगी, मैं देख लूंगा। हाँ प्रकाश, तुम्हारी गलतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें। मैं भी कोई तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा हूँ। तुम, तुम्हारी बीवी, बच्चे, रिश्तेदार सब मेरी दया पर जी रहे हैं। तुम्हारी फैमिली के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ। अब मेरा दिमाग मत खाओ, चुपचाप जाओ यहाँ से। आंखों पे पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, देखता हूँ। चलता हूँ प्रकाश। अभी तुम यहां कैसे? यहां अन्याय है, अधर्म है, झूठ है यहां, इसलिए मैं यहां हूं। हर बड़े अपराधी के पीछे सुना था एक होशियार ऑफिसर जरूर होता है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। खाकी वर्दी पहन के हाथ में बंदूक लेके क्रिमिनल्स को जूतों से मारने के बजाय आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं सर। क्रिमिनल्स को अपने सर का ताज बना लिया आपने। हा? सरकार ने आपके लिए कितना कुछ नहीं किया, रहने के लिए घर, चलने के लिए कार, सैलरी, सब कुछ दिया आपको। माँ बाप ने जन्म दिया, गुरु ने शिक्षा दी, पर आपने क्या किया? आपको तो शर्म आनी चाहिए सर। हेलो, अभी अभी नौ हो गया ना तुम्हारा भाषण? वो भी ऐसे ही भाषण दे रहा था फर्ज ईमानदारी और ड्यूटी का, इसीलिए मैंने उस दिन उसे सीधा ऊपर भेज दिया। जो मेरे रास्ते की रुकावट बनता है वो यहाँ जिंदा नहीं बचता। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ए चुप, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तूने किसी माँ के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और मैं तेरी बात सुनूं? तुझे जिंदा छोड़ दूं? क्या बिगाड़ेगा तू? हाँ कुछ नहीं कर सकता मेरा। ये न्याय और ईमानदारी की बात करने से बेहतर है कि तुम लोग मेरी बात मानकर यहाँ से चले जाओ। देखो तुम मेरे साथ एक डील कर लो, तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी और करोड़ों करोड़ों में खेलोगे। हाँ डील? नो डील, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अच्छा, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं,
उसी तरह एक मर्डर को छुपाने के लिए 100 मर्डर करना पड़े तो भी मैं करूंगा। तेरी कहानी खत्म। यही चाहिए था प्रकाश। सरेंडर करने के बजाय तूने गोली चला के बहुत अच्छा काम किया। इतने दिनों तक तुमने दूसरों की जाने ली है, सामने मौत को देख के कैसा लगा? नहीं अभी, अभी नहीं, नहीं अभी। कलेक्टर साहब की होने वाली बीवी के पापा मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। उनसे कुछ भी बोलकर उनका मुंह बंद करके आया हूं मैं। अपने प्रकाश ने गलती कर दी ना, अब वो बंद करने के लिए कह रहे हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब पता नहीं किसको उड़ा दिया, पागल कहीं का। यो एसबी, हमारे दोस्त को उड़ा दिया। ये कलयुग है,
हम जैसे लोगों के लिए। अब देखते हैं तेरा ट्रांसफर कैसे होता है। जनता की सेवा करने आया हूँ बोल के जनता को लूटते हो, नौकरी करने आए हम जैसे लोगों को प्रमोशन का लालच देते हो और हमें रिश्वत का लालच देकर गुलाम बनाना चाहते हो। अरे नहीं 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 भागो, नहीं। अभी हाथ दो। सर, पुलिस और कानून के नाम से जनता को डर नहीं लगना चाहिए सर। इन सब का कारण हम ही लोग हैं सर। अगर हम ईमानदार हुए तो समाज में मर्डर, चोरी, अत्याचार ये सब नहीं होगा सर। गांधी जी की तरह हमें भी आदर्शों पे चलना चाहिए सर। भाई वो देख। ये वही है ना जो अर्जुन से शादी करने वाली थी। बेचारे अर्जुन ने बचपन में ही अपने पापा को खो दिया। माँ ने मेहनत करके पढ़ाया उसे, पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा ऑफिसर बना, एक अच्छी लड़की से शादी करने वाला था कि ये हादसा हो गया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। पता नहीं उसकी माँ कैसी होगी, कहाँ होगी। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा। माँ जी आइए खाना खा लीजिए। नहीं नहीं मैं उसके बिना खाना नहीं खाऊंगी, उसके आने के बाद ही खाना खाऊंगी। माँ जी उन्हें ऑफिस में बहुत काम है, उन्होंने फोन करके बताया था कि वो लेट आएंगे। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी, फिर वो अपना काम छोड़कर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या। नहीं नहीं फोन किया था मेरे लिए, वो काम छोड़कर आ जाएगा। काम छोड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगी। उसको इतनी मुश्किलों से मैंने IAS बनाया। कोई बात नहीं बाद में आ जाएगा। ठीक है चलिए। मेरा बेटा आ जाएगा, मेरा बेटा आएगा ना।